एक तो जब तुम्हारे साले या साली का रिश्ता हो, बिल्कुल खामोश होके बैठ जाओ। जैसे ही रिश्ता पक्का हो, मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो किसी बात में तुम पूछता ही नहीं। बस सुन ले साले, ध्यान से क्या समझा रहे हैं। अबे सुनने की बात थोड़ी है, लिखने की बात है, लिख रहा हूँ। और उस्ताद जी, और बताओ मुझे बातें। तुम कभी जाओ ससुराल और तुमसे पहले नाश्ता लग जाए, उछाल दो, भचड़ फैला दो, मेरे से पहले नाश्ता लग कैसे गया, दस्तरखान खींच लो। हो सके तो कोई साड़ू हल्का हो ना, रेपटा उड़ा दो उसके अंदर, ऐसी भसड़ फैलवा दूंगा, कलेश करवा दूंगा ससुराल में। तुझे बंद करके तेरा सुअर न बना दिया भैया। नहीं यार, वो बड़ा वाला जो साला है ना, उससे जो छोटा साला है वो बहुत गुस्से वाला, मुझे तो भड़ जगह जा रहा थी। पैसे वाला, पैसे वाला है, और 2-4 लाख उससे उतारो। तुमने आइडिया ऐसे बताए क्या बेटा? जा, तेरे हाथ पैर ना तोड़ दे तेरे ससुराल वाले। तो बात है, जब भी पैसे मांगने हैं ससुराल लिए, नाराज हो जाओ किसी ने, पुरानी बातें खोल दो पुरानी। शादी में मिलाई में यूं करा था, जोड़ा ऐसा दिया था। लो भाई, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में बिल्कुल नई चीज लेकर आया तुम्हारा भाई। किसी YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे कहीं नहीं देखा गया ऐसा कंटेंट, बिल्कुल नया कंटेंट लेकर आया तुम्हारा भाई। लो भाई, सभी फूफा जीजा ध्यान दे भाई, अच्छी खासी शादी में कैसे भसड़ फैलानी है इसकी ट्रेनिंग दे दे भाई। अच्छी खासी शादी में कैसे गंद फैलानी है भाई, बढ़िया रिश्तेदारी में कैसे फट्टे कराने हैं, सभी फूफा जीजा ध्यान दे भाई। लो भाई, रिश्ता कराने से लेके रिश्ता पक्का होने तक, लो भाई हल्दी से लेके विदाई तक, विदाई से लेके सेरा बंधाई तक, सेरा बंधाई से लेके निकाह तक, हर लम्हा हर पल कैसे भसड़ फैलाई जाती है, कैसे मुंह फैलाया जाता है, कैसे गंध फैलाई जाती है, हमारे यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सभी फूफा जीजा ध्यान दे भाई, सभी फूफा जीजा। लो मेरे भाई, बिना बात के महीनों घर पर मुंह फुला के कैसे बैठा जाता है, कैसे ससुरालियों को परेशान कराया जाता है, सीखे भाई। ये तो बड़े काम की चीज है, और यार मेरी तो आज तक ससुराल में लड़ाई भी नहीं हुई यार। हाँ यार, अगले महीने वैसे तुम्हारे साले की शादी है, तो बड़ा काम आएगा ये। वो बढ़िया याद दिला भाई साहब। वह काम की चीज है, बेहतरीन काम की चीज है। ये बताओ, फूफाओ जीजाओ क्या हो, कौन सी भसड़ सिखानी है? वह जीजा है 1 साल पुराने, एकदम फ्रेश है, सिकंदराबाद के जीजा है। बस यार मुझसे कलेश नहीं होती, मुझे कलेश सिखाओ। वह रोमियो नाम मेरा, कलेश सिखाना काम मेरा। आओ बैठो 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 बैठ भाई बैठ। हाँ जी भाई साहब, अब बताओ, फूफा हो जी जाओ, कलेश सिखानी है, भसड़ सिखानी है, गंद फैलानी है, ससुराल में लड़ाइयां करानी है, रिश्तेदारों में फट्टे कराने हैं, बहू से लड़ना है, सास से लड़ना है, ससुर से लड़ना है, या साले से चिरांद करानी है, जल्दी मेरे भाई जल्दी। भाई बोलना, कहाँ कलेश करवानी है? भाई रुक तो जा, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी इन्होंने। भाई इसके रेट तो बताओ। मैं रेट की टेंशन ना ले भैया, बड़े ही रीजनेबल रेट है, बड़े ही रीजनेबल। तुम भैया बताओ, मुंह कहाँ फुलाना, कलेश कहाँ करानी है, भैया बताओ। यार हमारा भी बहुत दिल चाहे कि हमारी ससुराल में कलेश हो, मुझे मेरे साले कॉल करें, जी जीजा जी मान जाओ, सारी मना, सास कॉल करे, भाई यार कोई नहीं मनाता यार, होती नहीं यार मेरी कलेश वहां पर। भाई साहब बिना बात के वो कलेश फैलवा दूंगा तुम्हारी ससुराल में, मनाते फिरेंगे जीजा साले, तुम मानना ही मत। बस तुम ये बता दो, तुम्हारी ससुराल का नेचर कैसा है, शरीफ लोग हैं, ढीठ है, कैसे? भाई साहब ससुराल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सीधी है मेरी, ये लगा लो घर में घुसते ही पानी, बैठने से पहले चाय, मुंह से निकलते ही खाना। अबे भाई औकात से ज्यादा तो दहेज दे दिया। साइकिल पे चलने वाले को कार दे दी, पंखे में सोने वाले को एसी दे दिया, अबे मट्टी का घर था नया फ्लैट दिला दिया। अबे भाई कलेश करूं तो किस पे करूं, मैं तो बहुत टेंशन। हमारा भी दिल करे भाई कलेश हो, हमें मनावे लोग आके, कोई नहीं है यार, मुद्दा ही नहीं है कोई कलेश का। मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मैं कलेश करूं। देखो जी, ऐसी कलेश फैलवा दूंगा, समझने से नहीं समझने की है, 4-5 मोटी मोटी चीज पे ध्यान देना है। एक तो जब तुम्हारे साले या साली का रिश्ता हो, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाना। जैसे ही रिश्ता पक्का हो, मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो किसी बात में तुम पूछता ही नहीं, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, भसड़ फैला देना, कलेश फैला देना बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरा, जब शादी हो, सेरा बंधाई पे बहुत ध्यान देना है, सेरा बंधाई के टाइम में सूम में कहीं और चले जाना, और जैसे ही सेरा बन जाए आ जाना। लो मुझे पूछा नहीं, मेरी तो इज्जत नहीं है, भसड़ चीखना चिल्लाना सामान फेंकना ये करना, एक चीज हो गई भाई। और जब जोड़े की लेन देन की बात हो, चुपचाप रहना, जैसे जोड़े आ जाए, ये तो 100 रुपल्ली के जोड़े, ये जोड़े दिए मुझे, मैं तो ऐसे पहन, तुम्हारी औकात नहीं है 70 रुपए वाले सूट पहनने की, मां दिखाना ये क्या दे दिया मुझे भसड़। और जब पूरी शादी निमट जाए, चुपचाप घर में आके ना मुंह फुला के बैठ जाना, 2-3 दिन ससुराल मत जाना, ससुराल में पूछेंगे क्यों नहीं आ रिया, कहना पूरी शादी में नहीं पूछा मुझे, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, कलेश कलेश। बात बात पे धमकी देना, तुम्हारी लड़की को घर भेज दूंगा, बात बात पे भेजना नहीं है, धमकी देनी है, बात बात पे घर भेज दूंगा, ऐसी कलेश फैला देना, ठीक है? ये मोटी मोटी चीजें याद रखना भाई। और बस सुन ले साले, ध्यान से क्या समझा रहे हैं। अबे सुनने की बात थोड़ी है, लिखने की बात है, लिख रहा हूँ। और उस्ताद जी, और बताओ मुझे बातें। लो जी,
एक पॉइंट और नोट कर लो, शादी के टाइम जब मिलाई में पैसे मिले, लोगों को मिलेंगे 500, तुम्हें मिलेंगे 1000, लेकिन तुम्हें बताने 500 हैं, पहले वो जो सबके दिए वही मुझे दे दिए, मिलेंगे 1000, बताने 500 रिश्तेदारी में, समझ आ रही बात। दूसरी चीज, तुम्हारे 2-3 अगर साड़ू हो, तुम कभी जाओ ससुराल और तुमसे पहले नाश्ता लग जाए, उछाल दो, भचड़ फैला दो, मेरे से पहले नाश्ता लग कैसे गया, दस्तरखान खींच लो, हो सके तो कोई साड़ू हल्का हो ना, रेपटा उड़ा दो उसके अंदर, खूब चिल्लाओ, 2-4 मकानों में आसपास की आवाज जानी चाहिए, कलेश करो तगड़ी वाली। ठीक, एक डायलॉग और मानना पहलवान, बात बात पे, ये कहना भाई मेरी तो शादी हो रही थी कहीं और, मुझे तो सेंटर मिल रही थी, मुझे तो फलाना मिल रहा, फालतू तुम ससुराल पे रहो, फुल घुआरो, उन्हीं के दहेज पे उन्हीं के सामान तो पल लो, लेकिन दिखाना क्या चौधरी बन के, मेरे को तो फला भाई शादी हो रही थी, मुझे सेंटर मिल रही थी, मुझे ये एहसान दिखाओ, एहसान जैसे तुमने उनकी लड़की पे शादी करके एहसान कर दिया हो तुम खुआर। ठीक है जी, और जब रिश्तेदारी में बैठो, मैं मेरी तो इज्जत ही नहीं करते, मैं तो जाता हूँ खाने को नहीं पूछते, फुकरे बन जाओ, जलील बन जाओ बिल्कुल, इन बात बातों पर कलेश करो। और दूसरी चीज, जब साले का फोन आए मनाने की नहीं है, उठाना नहीं है, सास फोन करे, ससुर फोन करे, साला फोन करे, उठाना नहीं है, साली अगर खूबसूरत हो तो उठा लेना। ठीक है, बड़े बोल से सन्नीचा, बड़े बोल से सन्नीचा, ऐसी भसड़ फैलवा दूंगा, कलेश करवा दूंगा ससुराल में, तुझे बंद करके तेरा सुवर्ण बना दिया भैया, फिर देखियो तू। यार पिकवाना थोड़ी है यार। नहीं बाबा, ज्यादा और हो जाते, ससुराल ये सुवर ही बना देते हैं। नहीं यार, वो बड़ा वाला जो साला है ना, उससे जो छोटा साला है वो बहुत गुस्से वाला, मुझे तो भड़दगा जा रहा थी। पैसे वाला और 2-4 लाख उससे भी उतारो, कैसे भी उतारो, कैसे कैसे ससुराल में परेशानियां बताओ, काम नहीं चल रहा है, परेशान हूँ, कोई मदद करने, भिखारी बन जाओ, भिखारी फाके हो रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया, सही है, 2-4 लाख उनसे भी उतारो, और 2-4 लाख उतारो, पी जाओ, पी जाओ, जब भी पैसे मांगने हैं ससुरालिए नाराज हो जाओ, किसी ने पुरानी बातें खोल दो, पुरानी शादी में मिलाई में यूं करा था, जोड़ा ऐसा दिया था, भसा पैसे पी जाओ। ठीक, क्या हमारी जो पेमेंट है, पेटीएम वेटीएम करो कुछ, ये फ्री में दे रहा हूँ सलाह साले, तो पहले ससुराल से तो आने, ना 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 कुछ करो, पेटीएम फोन मोन निकाल के कुछ करो जल्दी फटाफट, ससुराल से तो आने दो, ना ना साले वाले का नहीं, कुछ नंबर बताओ। हाँ गारंटी है कुछ? बिल्कुल, कलेश की तो ऐसी गारंटी है, तू देख कल सर फटा बना तेरी तो बात है हमारे पास हो गए। अच्छा अच्छा, फोन साइलेंट पे था, मुंह से दिया भाई। ओके ओके, चलो चलो चल, निकल निकल, तेरी शादी हो गई, तुझे भी कुछ बताना, मुझे चल निकल निकल निकल। उफ, इतनी मेहनत के बाद चलो बोनी दो ही फोन, अबे फोन तो ले जाओ ढक्कन, फोन तो दे दो यार, कलेश की में इतना भाव लोगे, फोन ही भूल गया, तुम ना आइडिया देते बताए क्या बेटा, जा तेरे हाथ पैर ना तोड़ दे तेरे ससुराल वाले, तो बात है पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा कल तक, इन फूफा जीजाओं को तो बम लगा के उड़ा दो साले को, ऐसा दुखी कर रखा है ना, चल मेरा कारोबार में इनसे ही चल रहा है भाई, शुक्र है भाई बोनी तो भाई, चले भाई किसी और जगह पे चले, चलो भाई वो मेरे भाई, ये सारे फूफा जीजा मेरे भाई नाराज होने वाले, ध्यान से सुने।